आपकी मिट्टी के आपके जनपद के गौरवशाली रचनाकार को बुलाना चाहता हूँ, जिसका नाम चंदन है और चंदन जैसी खुशबू भी खेल रहा है कविताओं के माध्यम से, और वो जब रुद्र हो जाता है तो रौद्र रूप धारण कर लेता है, अपनी आक्रामकता में जब आ जाता है। चार पंक्तियां समर्पित करते हुए प्रिय चंदन तिवारी पुत्र को आवाज देता हूँ कि अगर पुस्तक है कविता की तो उसमें छंद भी होंगे, अगर पुस्तक है कविता की तो उसमें छंद भी होंगे, खिलेंगे फूल उपवन में तो फिर मकरंद भी होंगे। तो जरा विश्वास करके देखिए इन नौजवानों पर, इन्हीं में भगत भी होंगे, विवेकानंद भी होंगे। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम मुझे मेरे परिवार का कार्यक्रम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब अपने बैठे हुए हैं। दिलीप बम्बम दादा आपके रजत तिवारी दादा, अजय दादा, डीपी सिंह सर है जो वर्तमान में सरावती है सीएमओ, एक बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवम भैया, राहुल दादा, राघव भैया, आनंद पांडित, सब अपने लोग हैं। एक बार मैं निवेदन करूंगा, आप अपने लिए जो डाटा ले बता दीजिए। हिंदी दिवस का ये पावन कार्यक्रम है और चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। उससे पहले बस छोटा सा निवेदन इतना सा रहेगा कि मेरा पूरा जीवन और मेरी पूरी कविताएं केवल तीन बातों पर निर्भर करती हैं। पहली, इस देश की मिट्टी, क्या बात है, वाह वाह वाह। दूसरी, इस देश की मिट्टी, वाह। और तीसरी, सिर्फ और सिर्फ इस देश की, क्या बात है, वाह वाह। इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि दो चार पांच मिनट आपके बीच में हूँ। अगर आपको लगे मेरी कविताओं में कहीं इस देश की बात हो रही हो, अगर आपको लगे मेरी कविताओं में इस देश की मिट्टी की खुशबू की बात हो रही हो, तो जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता हो, जिनके सांसों में इस देश की मिट्टी की खुशबू बसती हो, तो राष्ट्रभक्त की ताली में एक बार हाथों को ऑफ उठा करके और ताली जमराज के साथ करना शुरू कर दो। चार पंक्तियां शहादत का, यहां से फिर वही फरमान निकलेगा, ये हिंदुस्तान आखिर किनके बल पे जिंदा है, कि शहादत का यहां से फिर वही फरमान निकलेगा, यहां बैठे हुए हर दिल से ले अरमान निकलेगा, और वैसी गौर से देखो ये भारत माँ के बेटे हैं, ये सीना चीर भी देंगे तो हिंदुस्तान निकलेगा, ये सीना चीर भी देंगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। और जब ऐसी तरुणाई देश के पास हो, एक मिनट की एक कहानी सुन रही है, मैं बात को शुरू करना चाहूंगा। एक बार एक कक्षा चल रही थी, उस कक्षा में अध्यापक ने एक प्रश्न किया कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। सारे बच्चों ने एक शब्द उत्तर दे कि तिरंगे में तीन रंग होते हैं, लेकिन एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मार्शल साहब तिरंगे में पांच रंग होते हैं। सारे बच्चा उसके हंसने लगी, मार्शल साहब गुस्सा हो गए, मार्शल साहब ने कहा कि तुमने बताया कि तिरंगे में पांच रंग होते हैं, वो पांच रंग कैसे होते हैं। वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मार्शल साहब तिरंगे में पहला रंग केसरिया होता है, दूसरा रंग सफेद होता है, तीसरा रंग हरा होता है, चौथा रंग तो नीरज अच्छे को देखते हैं वो होता है। मार्शल साहब की गुस्सा बढ़ गई, उन्होंने कहा तुमने पांचवा रंग कौन सा देखा, अब यहां से कार्यक्रम शुरू होगा और आपको वो संवेदना समझ में आ जाए, वो पीड़ा इस देश की समझ में आ जाए, तो अपने हाथ खोलिएगा। उस बच्चे ने उत्तर दिया, मास्टर साहब जब मैं पांच साल का था, मेरे आंगन में मेरे शहीद पिता की लाश आई थी, उनपे जो तिरंगा उठाया गया था उसमें पांचवा रंग उनके लाल लाल रंग के थे, उन भक्तों के बल पे आज ये तिरंगा जीवित है, ये हिंदुस्तान जीवित है। मैं पंक्तियां रखता हूँ, मैं चार पंक्तियां आपके बल में रखता हूँ, प्रश्न दीजिएगा। जिन बेटों ने राष्ट्रजग में अपना शीश चढ़ाया है, कि जिन बेटों ने राष्ट्रजग में अपना शीश चढ़ाया है, जिनकी गाथा गा गा कर इतिहास में अमर छाया है, जिनकी अमर शहादत पर ये अमर भी रो पड़ता है, जिनके शरीर का अस्थि भूल खुद महाकाल को चढ़ता है, स्वयं महासागर जाकर नदियों में मिला नहीं करते, चूहों की टक्कर से कहीं पर्वत हिला नहीं करते, अरे यहाँ कोई भी लुप्त हो गया है जिनकी अभाव में सिंह नहीं जाया करते, कुत्तों की याद अभाव में, और कहा गया और देश को आजादी विदेशी वस्त्रों की होली जला करके मिली है। यहाँ पे बड़े लोग बैठे, मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि क्या जलाने से देश को आजादी मिली, और बासे पासे मिलेगा कि शब्द नहीं मिल पाते हैं वीरों की गाथा गाने में, और जाने कितनी जली चिताएं हिंदुस्तान बनाने में, जाने कितनी जली चिताएं। तो चार बजे आता हूँ, सुजला मशुपला ममालय दशित वाली राष्ट्रवादी भावना के छंद बांधे जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम है और हमारे देश के युवा कहते हैं, पंक्तियां सुजला मशुपला ममालय दशित वाली राष्ट्रवादी भावना के छंद बांधे जाएंगे, और बनना पड़ा तो खुद शैलराज से तनेंगे, तन के स्वयं ही प्रबंध बन जाएंगे, तो राष्ट्रवाद होगा पर होगा नहीं जातिवाद। अब बात करें तो ध्यान बोलिएगा कि राष्ट्रवाद होगा पर होगा नहीं जातिवाद, जातिवाद मिटे ऐसी गंध मान
जाएंगे बसंत की परंपरा पे जब लगे प्रश्न चिन्ह देश के युवा विवेकानंद बन जाएंगे देश के युवा देश के युवा विवेकानंद बन जाएंगे धान जैसी भार को विशाल किया था जिन्होंने शांतिवाद योगा की वो अभिमान नहीं था। इस देश में एक श्लोक बताया गया कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन जब ये श्लोक आधा बताया गया तब हमारी जो मात्र संस्था विद्या भारती हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तब इसने पूरा किया कि अहिंसा परमो धर्म धर्म में हिंसा तदैव बचा, अर्थात जब धर्म के लिए हिंसा की जाए तो भी धर्म की श्रेणी में आती है। मैं चार को विद्या रखता हूँ अगली बात कार्यक्रम है। प्रश्न मेरे मन में आता है बात तो दीजिएगा कि ढाल जैसी भाल को विशाल किया था जिन्होंने शांतिवाद युग भी वो अभिमान नहीं था। अरे गोरे धूपते थे जब भारतीय सभ्यता पे क्या वो मातृ भारती का अपमान नहीं था। और काला पानी की दीवारें चीख चीख पूछती हैं शांति है तो क्रांति का क्या योगदान नहीं था। अरे 7 लाख लाडलों ने प्राणों की आहुतियां दी बलिदान उनका क्या बलिदान नहीं था। बलिदान उनका क्या बलिदान उनका क्या बलिदान नहीं था कि जिन्होंने किया नहीं है प्यार माता भारती से उनका कहो कि प्यारा प्यारा क्या चला गया। जब कोई सैनिक शहीद होता है और उसके बाद दिल्ली में बैठे दूसरा नेता उसके उस शहीद की उस शहादत का पैसों से मूल्यांकन करने लगते हो तो मैं चार संख्या रखता हूँ कि जब कोई शहीद होता है तो किसका क्या जाता है कि जिन्होंने किया नहीं है प्यार माता भारती से उनका कहो कि प्यारा प्यारा क्या चला गया। और जिनके इशारों पे ही पूछे कितने चिराग उनका कहो कि वो इशारा क्या चला गया। और मान नहीं दिया कभी भारतीय सैनिकों को वही आज बोलते हमारा क्या चला गया। अरे बाप का सहारा माँ का लाडला दुलारा गया राजनीति वालों ने तुम्हारा क्या चला गया राजनीति वालों ने। और जब बात राजनीति के तो चार में रखता हूँ कि शास्त्र सशस्त्र हो जो देश को सशक्त करे रैलियों का हम को बवाल नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति कैसी है राजनीति के लोग बैठे हुए हैं और मुझे गर्व होता है कि हम उस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे थे। अपन के रखता हूँ शास्त्र सशस्त्र हो जो देश को सशक्त करे रैलियों का हमको बवाल नहीं चाहिए राजनीति को बजालू जो बनाने को तुले है ऐसी मार के टिका उछाल नहीं चाहिए। तो भारतीय एकता अखंडता पे भी लगे जो अब बात को प्रश्न दीजिएगा कि भारतीय एकता अखंडता पे भी लगे जो देश के विरुद्ध वो सवाल नहीं चाहिए। अनेकता हो तो एक और वो भी उस भारत जैसा हमें राजनीति में दलाल नहीं चाहिए हमें राजनीति में। और चाहता हूं कि मुझे रखता हूं मेरा अपना श्री दीजिएगा कि शैलराज की भांति हमने तुमको एकाधार दिया। अंतिम पंक्ति रखता हूँ प्रश्न मांगा शैलराज की भांति हमने तुमको एकाधार दिया तुमने बहुमत मांगा हमने बहुमत बारंबार दिया आशा थी कि नई सदी का नवगंतव्य बनाओगे। अभी जो एक परिवर्तन चला इस देश में और बहुत विडंबना की बात है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे लोगों को बोलने की बहुत आजादी है लोग हमारे इस देश के संविधान से खेलने लगते हैं। एक इंडिया बना लिया जाता है आप समझिएगा इंडिया आता है फिर सामने भारत आता है। एक प्रश्न रखता हूँ हमें क्या आवश्यकता थी और पंक्तियां से दीजिएगा शैलराज की भांति हमने तुमको एकाधार दिया तुमने बहुमत मांगा हमने बहुमत बारंबार दिया आशा थी कि नई सदी का नवगंतव्य बनाओगे आशा थी कि नई सदी का नवगंतव्य बनाओगे अवधपुरी में रामलला का मंदिर भव्य बनाओगे। देश विरोधी ताकत को आगे बढ़कर के रोका है हम भारत के साथ क्यों है वास्तव दीजिएगा देश विरोधी ताकत को आगे बढ़कर के रोका है मंदिर की आधारशिला को रखकर सीना ठोका है यही बाबरी जो कलंक थी उस कलंक को तोड़ा है और विश्व में अश्वमेघ के अश्वों को फिर छोड़ा है सकल विश्व के पालन करता करुणा कर सुख धाम की सकल विश्व के पालन करता करुणा कर सुख धाम की दोनों हाथ उठाओ बोलो जय जय श्री राम की दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय श्री राम की। सुनो आज तक एक तरफ को निचल पाने वाले थे अभी चुनाव आया 2022 का बहुत नारे दिए गए कि हम ये फ्री कर देंगे वो फ्री कर देंगे पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे लेकिन ये देश क्या चाहता था ये उत्तर प्रदेश क्या चाहता था अंतिम पंक्तियां सुनो आज तक एक तरफ को निचलवाने वाले थे क्या चुनाव होने वाले मन में
कि सुनो आज तब एक तरफ गोली चलवाने वाले थे, दूसरी ओर राम पताका लिए भक्त दीवाने थे। प्रभु राम को लाकर जिसने देश बनाया पंचवटी, नर्तकियों का नाच सुनो या मंदिर की पूजा घटी। गौरव सर ये चला गया तो हर हिंदू पछताएगा, राम का मंदिर बड़ा मदन मथुरा का कौन बनाएगा। पिछले 6 वर्षों में मित्र सबने कमल खिलाया था, उसी एक निर्णय में प्रभु का मंदिर भव्य बनाया था। इसीलिए आवाहन था फिर सकल धाम के चरणों में। और यहाँ पे भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने वोट किसको दिया और 24 में वोट हम किसको देंगे, बात को आप दीजिएगा। इसीलिए आवाहन था फिर सकल धाम के चरणों में, सदियों में जो अर्जित होता पुण्य काम के चरणों में। अरे कार सेवक थे चले फिर श्री श्याम के चरणों में, और 22 का मतदान समर्पित किया राम के चरणों में। बहुत धन्यवाद।